हैं बेटा, पैसे ठीक से गिन लिए ना? जी काका। मोटा भाई, मोटा भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि दुनिया में रामजी भाई जैसे भी लोग हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा वेवान जी। करोड़िया जीवा चिक्कर चोर इक्का दुक्का ही होते हैं। उर्मिला बेन, आप यहाँ? अवे शू बोलू वेवान जी, जब मुझे पता चला कि मारी भोली भाली दीकरी के साथ इतना कुछ हो गया तो मुझसे तो रोका नहीं गया। अब करोड़िया तो पुरानो पापी छे पुरानो पापी, दूसरों को धोखा देने की आदत तो उसकी नस नस में है। मैं उसे खूब अच्छी तरह जानती हूं। क्या क्या आप जानती हैं उसे? जी वे भाई जी, मैं इस करोड़िया को पहले से जानती हूं। ये राशि के पापा के साथ कॉलेज में पढ़ता था, पर इसने मेरी गोपी के साथ जो कुछ भी किया, अरे इतनी बड़ी बात, अटलो मोटो फरेब, इसने तो एक बार राशि के पापा को भी चूना लगा दिया था जब दोनों ने साथ में कारोबार शुरू किया था। पर गोपी दिकरा, तू बिल्कुल मत घबराना, हम उस दुष्ट को बराबर सबक सिखाएंगे। हाँ, उसे छोड़ेंगे नहीं। उर्मिला बेन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मोदी परिवार इस मामले को सुलझाने में सक्षम है। 15 लाख रुपए रामजी भाई के मुंह पर फेंकेंगे और हमेशा हमेशा के लिए उनसे पिन छुड़ा लेंगे। कतेड़ी उर्मिला, अटली पती पड़पड़ करवानी शो जरूरत है। इन्होंने तो पहले से ही उपाय निकाल के रखा है। समझी गया उर्मिला बेन? 15 लाख? हाँ, मेरी गोपी वहू की जो स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए 15 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि हमारी गोपी वो तनाव से मुक्त रहे। बिल्कुल वेवान जी, तुम्हें एकदम बिल्कुल सही बोलिया। बस आप तो उस दुष्ट को 15 लाख देके हमारी दिकरी को छुड़ा लो। अहम, अब हमें जल्दी से चलना चाहिए। चल चलिए। नहीं अहम जी, रुकिए। क्या हो गोपी? हम उन्हें ये पैसा नहीं देंगे। गोपी वो, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना, अगर हम पैसे नहीं देंगे तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हें रामजी भाई के लिए काम करना होगा। उन्होंने हमारे परिवार के साथ धोखा किया है, छल से और धोखे से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर मुझसे साइन करवाया है। जो भी हो, हम अपना कारोबार उनसे वापस लेकर रहेंगे। गोपी, सब कुछ ठीक है जो तुम कह रही हो, वो हम बाद में सोचेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उन्हें पैसा देना होगा। नहीं अहम जी, जैसे को तैसा, हम भी उन्हीं के तरीके से काम करेंगे। एक मिनट गोपी दिकरा, तुम क्या बोल रही हो? हम में से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काकी जी, बाने जो ये मुझे विष्णु पुराण की पुस्तक दी है, इसमें एक कथा है अमृत मंथन की, जिसमें लिखा है कि एक बार जब राक्षसों ने छल और कपट से देवताओं से अमृत का कलश छीन लिया था, तो उसे वापस पाने के लिए विष्णु भगवान ने भी छल का रास्ता ही अपनाया था और मोहिनी रूप धर के अमृत का कलश वापस ले आए और देवताओं को दे दिया था। बस माँ जी, हम भी उन्हीं की तरीके से अपना कारोबार वापस लेंगे। गोपी वो, लेकिन तुम्हारी ऐसी अवस्था में ये सब कुछ करना। गोपी, तुम ये क्या बोले जा रही हो और क्यों इस किस्से को और ज्यादा खींच रही हो? तुम देख रही हो ना, सारा परिवार कितना परेशान है। गोपी, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि पैसे उसके मुंह पे मारे
ताकि किस्सा खत्म हो जाए बस। हम रामजी भाई को पैसा नहीं देंगे बल्कि उन्हीं के तरीके से उनसे लड़ाई लड़ेंगे। भाभी भाई बिल्कुल सही कह रहे, उस चालाक और बदमाश आदमी से झगड़ा करके कोई फायदा नहीं। नहीं देवर जी, इस बार हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हमने उन्हें ये पैसा दे दिया तो इसका मतलब यही होगा कि हमने उसके इस धोखे को चुपचाप स्वीकार कर लिया, जो कि हम नहीं करेंगे। माँ जी, ये तो एक तरह से उनको बढ़ावा देना ही होगा। आज जो उन्होंने हमारे साथ किया है वही वो कल किसी और के साथ करेंगे। अहम जी, उन्हीं की चाल चल के उन्हें परास्त करे वही उचित होगा। गोपी, जो तुम कह रही हो ना वो सिर्फ कहानियां हैं और कुछ नहीं। पर अहम जी, आज जिन्हें हम कहानियां कहते हैं वही कल का सच था। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आज भी ये कहानियां हमें प्रेरणा देती है और अगर चाहे तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। मुझे तो लगा था कि बात यहाँ ठंडी पड़ जाएगी, पर ये कवार अचानक इतनी ज्ञानी हो गई कि बात खींचे ही जा रही है। अब मारी गोपी दिकरी एकदम सही बोले छे, हमें उस असुर से अपना हक छीनना ही पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, टूट पड़ो उस पे। गोपी दिकरा, कोई हो ना हो तेरे साथ, अतारी मामी तेरे साथ है। उर्मिला बहन, गोपी तुम्हारी ये जिद गलत है, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो। जी अहम जी, लेकिन किसी के किए गए धोखे को सह लेना कायरता है, और ऊपर से हम उन्हें पैसा भी दे। हाँ जवाई जी, गोपी सही बोले छे, उस धोखेबाज को सबक सिखाना ही चाहिए। एक मिनट और मिला बेन, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या रामजी भाई ने आपके साथ भी कोई धोखा किया है। नाना वेवान जी, कैसे बातें कर रही हैं आप? मेरी भानेज के साथ धोखा, मतलब मेरे साथ धोखा? मामी जी बस बहुत हो गया, अब आप मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं है कि हम इस इंसान के साथ लड़ नहीं सकते, बात सिर्फ इतनी है कि हमें ऐसे लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। मौ, मैं जाकर उसे पैसे देकर आता हूँ। हाँ, गोपी वहू की ये परिस्थिति देखते हुए मुझे भी यही उपाय योग्य लगता है। कोकिला वहू, शो बोलिया तुम्हें, अहम डिकरा ने ठीक कहा? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है गोपी वहू के बात में दम है और वो सही भी है। अरे वाह, जिस आदमी ने हमारे बहू के भोलेपन का फायदा उठाया वो तो यही चाहेगा कि उसे ज्यादा से ज्यादा झुकाता जाए या उसे मजदूरी करवाए, नहीं तो पैसे के रूप में दंड भरवाए। ना, वो तो हमारे ईमानदारी का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहता है। जीत की खुशियां तो पहले से मना रहा है, तो पैसे देकर हम उसे और खुश क्यों होने दें? बाप, तो फिर ठीक है, आप लोगों को जो योग्य लगता है वैसा कीजिए। गोपी बहू, तुमने इस बारे में क्या और कैसे करना है कुछ सोचा है? नहीं बा, फिलहाल तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा। तू चिंता ना कर दिकरा, हम सब मिलके कुछ सोचते हैं। अब तुम लोग गरोड़िया को मात देने की योजना पर ज्यादा सोच विचार मत करो। अब बद्धी अहम ने दादाजी ने चोपड़ियो छे जासूसी उपन्यास, तमे एक एक बद्धा ले लो और वाचो, तमे लोगों को कोई ना कोई विचार जरूर सूझेगा। हूँ एक बात बोलू, हम उस गरोड़िया को पूरी तरह से उल्लू बना सकते हैं, जाली कागज पर उसके सही लेकर।
मम्मी ये आपका बहुत ही स्टूपिड आइडिया है। हाँ? गरोड़िया का पागल है कि आपके दिए हुए पेपर्स पर ऐसे ही साइन कर देगा। वैसे भी वो गोपी की तरह भोला भंडारी थोड़ी। हम एक काम कर सकते हैं, हम एक गरोड़िया की दुकान पर जाकर एक सोने की चेन गिरवी रखते हैं और फिर मौका देखकर हम वो चेन चुरा लेंगे। फिर वापस उसकी दुकान पर जाकर उससे वो चेन मांगेंगे और जब वो नहीं दे पाएगा तब हम उस पे चेन खो देने का इल्जाम लगाएंगे। फिर उसे कुछ भी करके वो चेन रिप्लेस करके देनी पड़ेगी। तो हम नई चेन बेच के हम राशि बैठो और चाय पी। राशि तारी आ कलाकारी चलता चलता तो एक वर्ष बीती जैसे, तब तक तो गोपी का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मेरी कलाकारी बेकार है लेकिन आपकी कलाकारी, आप ही बताइए ना हम उसकी सिग्नेचर्स कैसे लेंगे। हिमांशु भेस बदल के देख, उस करोड़िया ने मोदी परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं देखा, फक्त गोपी को पहचानता है और गोपी इसलिए क्योंकि गोपी का फोटो आचार की बाटली पर छपा है। और इसीलिए हूँ मैं बोलती हूँ कि अगर कोई भेस बदल के उर्मिला बहन, आपको कैसे पता कि रामजी भाई गरोड़िया हम में से किसी से नहीं मिले हैं?